हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस आज के ब्लॉग पे। तो आज के ब्लॉग में हम खूंटी के कॉलेज है एक, उसको कवर कर रहे हैं। तो खूंटी में एकमात्र कॉलेज है यहाँ पे, जो बिरसा कॉलेज है, जो हमारे बिरसा भगवान के नाम पे दिया हुआ है, बिरसा कॉलेज खूंटी। तो एक ही मात्र यहाँ पे है हायर एजुकेशन के लिए, और बाकी हायर सेकेंडरी के लिए दो चार है। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं ये बिरसा कॉलेज का वॉक अराउंड देने के लिए। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये ग्राउंड, ये हॉकी का ग्राउंड है, ये देख सकते हैं आप। कुछ बच्चे आए हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉकी लेके, हॉकी स्टिक के साथ। यहाँ ये कॉलेज का ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड। यहाँ टूर्नामेंट वगैरह भी चलता है, बाहर कभी आते हैं, कभी अभी तो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर चलते हैं। कॉलेज को अभी काफ़ी सुधार किया गया है, पहले मात्र एक बिल्डिंग ही हुआ करता था। क्या बोलते हैं, वो भी जर्जर स्थिति में। अभी आज फिर से मेरे साथ है अनुराग, आज का ब्लॉग में भी, और आगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं दिखाना चाहूँगा, उधर एक बिल्डिंग देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन का, एक मात्र यही ये था कि नहीं, तो मात्र एक ही था। तो अभी पेपर में जब से प्रेस रिपोर्टर के द्वारा ध्यान दिया गया है कि बिरसा कॉलेज का कुछ उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ का नेता उतना मंत्री वगैरह से, प्रेस में जब से पेपर में आउट हुआ है, तब फिर यहाँ के विधायक उधायक ने काफ़ी क्या बोले ध्यान दिया काफ़ी, मतलब उसको फिर देखा जाए तो फिर काम कराने लगे। तो फिर एक ये बिल्डिंग जो देख रहे पीछे ब्लॉक सी, इसको भी नया बनाया गया। फिर पीछे और भी कुछ कुछ ब्लॉक बिल्डिंग बनाया जा रहा है, उससे दिखाते हैं। तो तब जाके फिर एक खूंटी का कॉलेज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे दिया गया है, नहीं तो यहाँ पे उतना स्टूडेंट भी ध्यान नहीं दे रहे थे। इसके बाद लगेगा कि हाँ भाई, कॉलेज यहाँ पर थोड़ा रांची टाइप से है, नहीं तो सब रांची ही जा रहा था। क्या बोलते हैं, क्वालिटी भी थोड़ा बढ़ा है। हाँ, क्या क्वालिटी बढ़ा है? टीचर्स आते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है, अटेंडेंस का, उनसे रेगुलेशंस भी बनाया, थोड़ा सा अभी रांची को टक्कर देने के लायक अभी बनाया जा रहा है। आगे जाके हम दिखाते हैं, ब्लॉक ए में का बिल्डिंग है ये, और वो जो था वो ऑफिस भी लगा था, ब्लॉक ए है। फिर आगे चलते हैं ब्लॉक सी, एक बार डायरेक्ट चल गया। तो ये है ब्लॉक सी, ब्लॉक सी नया बना हुआ है ना, अभी देख सकते हैं। अभी और भी ब्लॉक दिखाएंगे हम, ये देख सकते हैं खेल कूद का बारे में तभी बात चल रहा था। यहाँ आगे पोस्टर भी लगा हुआ है हमारे झारखंड के दो ओलंपिक प्लेयर का, डीके प्रधान और सलीमा टेटे का, और ये हमारे विश्व भगवान। और ये है मुख्य द्वार, जहाँ से आपको आने का प्रवेश द्वार है, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और उसके उधर बाज़ार को उस साइड है, रोड को उस साइड है, उधर बाज़ार। ये अभी हम पहुँचे हैं बी ब्लॉक के पास, ये भी साइंस ब्लॉक ही होगा, है बी ब्लॉक। और इधर बगल में लिखा है विज्ञान भवन, जो कि काफ़ी छोटा है, हैं क्या बोलता है, साइंस के लिए बिल्डिंग छोटा दे रखा है, और उधर आर्ट्स का ज़्यादा बड़ा है। ये एक यहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ है, ये काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी मस्त बना हुआ है, नया ही अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगभग 90-80% काम हो चुका है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है बाहर से। तो बाकी अंदर में कैसा है, अच्छा ही होगा, काफ़ी डेवलप करेगा ये कॉलेज। ये सब बिल्डिंग अभी बनाया जा रहा है, अभी यहाँ पे न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, देख सकते हैं। अभी यहाँ गाड़ी चली रही है, अभी तो काम चल ही रहा है यहाँ पे। बाकी बात, ये भी बिल्डिंग बन के रेडी ही है लगभग, तो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये बिरसा कॉलेज जो बोल रहा हूँ मैं, ये
प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, फी नहीं के बराबर है, क्या बोलते हो, कितना होगा एडमिशन फी बता दो। फॉर्म का बोल रहा है ना, एडमिशन बोल रहा है, एडमिशन फी ले दे के 500-600 रुपये या 1000 रुपये तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग ऐसे ही फी है। रांची कॉलेज जो है अपना रांची में, वो भी गवर्नमेंट है, 50-100 रुपया एडमिशन फॉर्म लिया जा रहा था और 1000 के आसपास साल भर का फी है, तो लगभग यहाँ भी वही होगा। यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप, बॉयज़ हॉस्टल है ये, जो बॉयज़ हॉस्टल दिया हुआ है, बॉयज़ हॉस्टल में हम लोग आ गए हैं अंदर, अरे अंदर कहाँ जा रहा है, उधर लड़का लोग गाड़ी भी रखा हुआ है ना? हमारे पीछे देख सकते हैं ये हेलीपैड है, नज़र नहीं आ रहा, एक और हेलीपैड है, दूसरा हेलीपैड में जाना है हम लोग को। ये कॉलेज का ही फुटबॉल ग्राउंड है, इसमें अभी मैच चल रहा है, कुछ टूर्नामेंट, कुछ प्लेयर सब आए हुए हैं, मैच चल रहा है इधर, कुछ लोग वेटिंग में, इसके बाद लगता है और एक मैच होगा। और बता गेम का कुछ निर्णय, प्लेयर लोग के बारे में थोड़ा बता। अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत में निर्णय कैसे ले लें, अरे तो 5 मिनट हो गया ना, गोल डाल देगा दो टीम, हावी ऑफसाइड, ऑफसाइड नहीं हो रहा, गोल हो गया, ब्लैक टीम हावी होता नजर आ ही रहा था, गोल भी लग गया आपको। अभी मैं स्टेडियम से बाहर निकल गया हूँ इधर, और इधर भी कुछ कॉलेज का ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आगे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, इधर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, इधर भी कंस्ट्रक्शन, गेट से कहना है इधर पीछे दोनों दिल्ली रेड रेड दिख रहा है, वो खूटी का जेल है, यहाँ से उतना बड़ा दिख नहीं रहा है, आगे से भी छिपा हुआ थोड़ा सा है, लेकिन इधर सटा हुआ है बाउंड्री। और ये जो देख रहे हैं बिल्डिंग येलो वाला, ये है गर्ल्स हॉस्टल, ये कॉलेज का ही बिरसा गर्ल्स हॉस्टल है कॉलेज के लिए, लेडीज लोगों के लिए यहाँ पे है, और जेंट्स का हुआ आगे उधर। अभी शाम हो चुकी है, कितना बज गया, शाम हो गए, 5 बज रहे होंगे, अभी शाम हो गया, सूरज भी ढल चुका है, 5:45, और ब्लॉग को हम आज यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।